सावन में कांवरिया का वेश धर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव मंगलवार को काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा के दरबार में मत्था टेका। तेज प्रताप ने मंदिर में विधिवत पूजा की। इस दौरान उन्होंने अपनी पहचान छिपाए रखने की भरसक कोशिश की। तेज प्रताप ने अपने साथ आए कुछ समर्थकों को हिदायत कर रखी थी कि उनकी पहचान जाहिर न होने पाए। मंदिर में दर्शन पूजन के दौरान भी उन्होंने पहचान छिपाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन विश्वनाथ मंदिर से बाहर निकलकर अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचने पर उन्हें वहां मौजूद कुछ मीडिया कर्मियों ने पहचान लिया। मंदिर से बाहर निकलते वक्त बिहार के हालात को लेकर सवाल पूछने पर पहले तो तेज प्रताप ने कोई भी राजनीतिक सवाल का जवाब देने से इनकार किया, पर नीतीश कुमार की याद दिलाने पर बोल पड़े कि बिहार के हालात सबको पता है। बाबा से क्या मांगा पूछने पर कहा कि मैं बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो कुछ मांगने आया हूँ, अगर वो मिल गया तो फिर आऊँगा और तब बताऊँगा कि बाबा से मैंने क्या मांगा था। मड़वाड़ी क्षेत्र की एक युवती ने सोमवार की शाम मड़वाड़ी थाने पहुंचकर पड़ोसी युवक पर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया। पुलिस ने दुष्कर्म सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। युवती ने बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ 3 वर्षों तक दुष्कर्म किया। आरोपी ने बकरीद के एक दिन बाद उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गया। बार बार कहने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए शादी करने से इनकार कर दिया। युवती ने अपने परिजनों के साथ थाने में पहुँच कर केस दर्ज कराया। फूलपुर थाना क्षेत्र में सोमवार की रात करीब 2 बजे घर के बाहर सो रही 4 साल की मासूम को कोई खेत में उठा ले गया। कुछ ही देर बाद वो रोते हुए वापस आई। परिजनों का कहना था कि रात में अंधेरे में पता नहीं चल रहा था कि वो क्यों रो रही है, सुबह तक भी वो चुप नहीं हुई। एक बार फिर माँ ने बच्ची को देखा तो उसके गुप्तांग से खून रिस रहा था। इस पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया। इस घटना की जानकारी होने पर SSP सुरेश राव आनंद खुद कबीर चौरा अस्पताल पहुंचे और परिजनों और बच्ची से बात की। ये फूलपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक 4.5 साल की बच्ची थी, उसको रात में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घर के पास ही ले जाके उसके साथ जो है दुराचार की घटना कारित की गई है। इसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है। उसकी स्थिति सामान्य है और अभियुक्तों को चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। लोता पुलिस ने मंगलवार को वाहन चेकिंग के दौरान अकेलवा चौराहे से 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 18 भैंसें बरामद की गई। ये भैंसें एक ही ट्रक में ठूसी गई थी। पकड़े गए अभियुक्तों में कोखराज जिला कौशाम्बी का सानू और ग्राम करौता निवासी नखड़ू नट शामिल रहे। मड़वाड़ी थाने के 25,000 के इनामी कार्तिक प्रकाश सिंह उर्फ गोपाल सिंह को कैन पुलिस ने रविवार की रात JP मेहता इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, कारतूस, नगद रुपए, मोबाइल और बाइक बरामद की। SP सिटी दिनेश कुमार सिंह ने सोमवार को बताया कि कार्तिक मिर्ज़ापुर का रहने वाला है। उसके साथ लंका थाने के नरिया निवासी राहुल गौड़ को भी गिरफ्तार किया गया है। कार्तिक पर हत्या के प्रयास, लूट और छिनैती के कई मामले दर्ज है। पुलिस को 2016 से उसकी तलाश थी, लेकिन वो फरार चल रहा था। काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगा एक सिपाही सोमवार की शाम शराब के नशे में धुत होकर लोगों से गाली गलौज करने लगा। गेट नंबर 2 सरस्वती फाटक पर तैनात इस सिपाही के बारे में लोगों ने पॉइंट प्रभारी को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पॉइंट प्रभारी ने सिपाही को ऑटो में बिठाकर कबीर चौरा मंडली अस्पताल भेजा। SP ज्ञानवापी शैलेन कुमार राय का कहना था कि जानकारी मिली है और उसकी जाँच की जा रही है। शराब पीने की पुष्टि होने के बाद सिपाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों और पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर मंगलवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और संबद्ध अनुदानित कॉलेजों के शिक्षक सामूहिक अवकाश पर रहे। शिक्षकों ने विद्यापीठ और संस्कृत विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालयों के बाहर धरना किया। 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों सभी विभागों में लागू हो गई हैं, पर अब तक विश्वविद्यालय ही अछूते हैं।
लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार आधी रात एयर इंडिया का शारजा जाने वाला विमान IX-183 तकनीकी खराबी के कारण उड़ान नहीं भर सका। पायलट विमान को रनवे से वापस ले आए। शारजा वाराणसी विमान सोमवार को निर्धारित समय से 6 घंटे विलंब से आया। यहां से शारजा के लिए उड़ान भरने से पहले विमान में तकनीकी खराबी आ गई। इसे इंजीनियरों ने 1 घंटे बाद ठीक कर लिया। रात 12:30 बजे 184 यात्रियों को लेकर विमान एप्रन से रनवे पर गया, लेकिन फिर से तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने ATC से संपर्क कर विमान को एप्रन पर वापस लाया। विमान में दिया जाने वाला भोजन देकर यात्रियों को पूरी रात टर्मिनल में बैठाया गया। इस दौरान यात्रियों ने अव्यवस्था को लेकर हंगामा भी किया। सुबह 5 बजे सभी 184 यात्रियों को शहर के होटलों में रुकवाया गया। प्रदेश के अनुपूरक बजट में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को 14 करोड़ और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 14 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत होने से संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन ने राहत की सांस ली है। धन की कमी के कारण विश्वविद्यालय में वेतन भुगतान का संकट खड़ा हो गया था। कुलपति प्रोफेसर राजा राम शुक्ल ने सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 2 बार मुलाकात की और विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति की जानकारी दी थी।